अधिकारी के द्वारा गंगा नदी में बीच टापू पर फंसे हुए कई लोगों को बाहर निकाला गया। उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने आपदा कंट्रोल रूम हरिद्वार से सूचना मिली कि तहसील लक्सर के जसपुर रवि गांव में लोग गंगा नदी के दो धाम के बीच में टापू है वहाँ पर फंस गए हैं। उसके बाद दूसरी सूचना हमें मिली कि दूसरे गांव जो सिखपुरी है वहाँ पर भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए हमने तत्काल जो है पुलिस और रेवन्यू के प्रशासन ने मौके पर पहुँचे, गाँव वालों को अलर्ट किया और साथ में हमने SDRF और जल पुलिस की मदद मांगी जो कि हमें समय से मिल गई थी और रेस्क्यू कर लिया गया है। 20 लोग जो है वो गांव से निकाल लिए गए हैं जसपुर से। अब दूसरे गांव में रेस्क्यू चल रहा है। यहाँ भी अनुमानित है कि 15 से 20 लोग भी यहाँ भी हैं। और एक संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी लगातार किस इस तरह की घटनाएं और कितनी सामने आ चुकी हैं और फिलहाल जिन लोगों को बचाने के लिए NDRF काम कर रही है, लगातार उनका रेस्क्यू कर रही है, क्या उन्हें बचा लिया गया है? जी, मैं आपको बता दूं, लगातार पर्वतीय क्षेत्र में हो रही लगातार 3 दिन की बारिश के कारण गंगा जल का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अभी भी हमारे उप जिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने की मौके पर मौजूद है जिनको 32 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी भी कार्रवाई जारी है। तो इसके अलावा और क्या उप जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए, क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही तो कहीं ना कहीं जल स्तर बढ़ जाता है, लोगों को क्या हिदायत दी जा रही है? लोगों को हिदायत दी जा रही है और आपदा राहत कंट्रोल बोर्ड को के द्वारा सूचना दी जा रही है, लोगों को सूचना भी दी जा रही है और इसके कारण लगातार 2 घंटे से रेस्क्यू जारी है और आगे भी रेस्क्यू जारी रहेगा। शैलेंद्र सिंह नेगी फिलहाल मौके पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बढ़ते गंगा के जलस्तर जनजीवन पर भी अस्त व्यस्त हो गया है और उस पर भी असर दिखने लगा है। वहीं बढ़ते जलस्तर से ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर प्रतिदिन होने वाली गंगा आरती भी प्रभावित हुई है। गंगा सभा के अध्यक्ष राहुल शर्मा ने बताया कि गंगा के जलस्तर बढ़ने के कारण आरती को सूक्ष्म रूप में एकल तरह से करने का निर्णय लिया गया है। खास बात तो ये है कि दशहरा का पर्व भी सादे रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। गंगा जल स्तर तो सुबह से निरंतर जो बढ़ता जा रहा है, किसी प्रकार की कोई जो है भारी कमी देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि देख रहे हैं तो बढ़ ही रहा है। तो वर्तमान में यह है कि इस स्थिति को देखते हुए जहाँ जगह मिलेगी, जहाँ तक गंगा जी होगी उसके बाद जो जगह मिलेगी वहाँ ही एक प्रतीकात्मक जो है सिंगल एक आरती जो है की जाएगी। और वैसे कल जो है गंगा दशहरा था, दिन में 12 बजे भी आरती होनी है। कल पूजा पाठ का जो बड़ा प्रोग्राम होना था लेकिन उसको भी जो है सूक्ष्म करके मात्र एक आरती के रूप में ही जो है। मैं तो अभी बाजार में भाई ऋषिकेश से अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, निरंतर जल स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, दशहरा भी है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया गया है कि सूक्ष्म रूप से अब एकल तरह से ही खाली दशहरे में आरती की जाएगी। जी हाँ, जैसे कि देखा जा रहा है लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और लगातार बारिश भी चल रही है जिसके कारण गंगा का जलस्तर कुछ ही संख्या में कम हो रहा है। इसको देखते हुए निर्णय लिया गया है गंगा सभा के द्वारा कि गंगा आरती जो भव्य रूप से की जाती थी उसे सूक्ष्म रूप से किया जा रहा है। साथ ही खास बात तो देखने वाली यह है कि आज गंगा दशहरा का पर्व है जिसमें कि सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी घाट पर पहुंचते थे, लेकिन श्रद्धालुओं के चेहरे में कहीं ना कहीं मायूसी देखने को मिल रही है क्योंकि एक तरफ से गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, वहीं प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यहाँ पर रोक लगाई है जाने के लिए कि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो। इसको देखते हुए गंगा की ओर किसी भी व्यक्ति को जाने नहीं दिया जा रहा है। अभी भी कहीं ना कहीं बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है तो और भी जल स्तर बढ़ने का खतरा है अभी भी। जी, अगर जैसे देखा जा रहा है कि संभावना है कि अगर बारिश लगातार बनी रही और लगातार बारिश होती रही तो गंगा का जलस्तर बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार बारिश के चलते गंगा का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा का जल स्तर जो है वो खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है, जो कि एक भारी मुसीबत का संकेत देती है। तो इसी के चलते किसी को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो उसको देखते हुए एक सूक्ष्म आरती का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड में कोरोना के चलते हरिद्वार गंगा दशहरा स्नान को स्थगित कर दिया गया है। उत्तराखंड की सीमाओं को सीज करने का आदेश दे दिया गया है, जिसके चलते देवभूमि प्रदेश द्वारा नारसन बॉर्डर पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और देवभूमि में प्रवेश करने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर की 72 घंटे की निगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी, उसके बाद ही प्रदेश में प्रवेश कर सकते हैं। गंगा दशहरा के स्नान को लेकर बॉर्डर पर बिना जांच के आ रहे श्रद्धालुओं को बॉर्डर से वापस भेजा जा रहा है, जबकि सरकार ने गंगा स्नान को स्थगित कर दिया है। उसके बाद भी नारसन सीमा पर हजारों की संख्या में वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं प्रशासन भी बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों को सीमा से ही वापस लौटा रही है, जबकि सीमा पर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम को तैनात किया गया है, ताकि बाहरी राज्यों से प्रखंड में प्रवेश करने वाले यात्रियों की कोविड जांच की जा सके। एक सरकार द्वारा गंगा दशहरा स्नान को स्थगित कर दिया गया है और उनके द्वारा अपील है कि सभी लोग अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना का संक्रमण अभी चल रहा है। और दूसरा, यहाँ पे विशेष परिस्थिति में उन्हीं को एंट्री दी जा रही है जिनका आरटीपीसीआर रिपोर्ट। वही इंतजार हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। तो इन सब मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं और किस तरह से कड़ी निगरानी की जा रही है, क्योंकि जो बाहर से श्रद्धालु हैं उनकी लंबी कतारें इसके बावजूद भी लग रही है कि आदेश पारित हुआ था कि अब गंगा स्नान करने को दशहरे के पर्व पे नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो हरिद्वार में आज एक गंगा दशहरा का जो पर्व है जो मनाया जाना है, एक बड़े स्नान के रूप में गंगा दशहरा को देखा जा रहा है, तो जो जिला प्रशासन हरिद्वार है उन्होंने पहले ही इस चीज के अलर्ट कर दिया गया था कि जो गंगा दशहरा का जो पर्व है उसे एक सांकेतिक रूप से स्नान कराया जाएगा और जो बॉर्डर है, जो जिले की जो तीनों सीमाएं हैं सभी को सील कर दिया गया है, जो बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी हालत में किसी भी तरीके से अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। लेकिन उसके लिए एसओपी जारी की गई है कि जिसके पास कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे पूर्व की होगी वही जिले में प्रवेश कर पाएगा, अन्यथा किसी भी श्रद्धालु को जिले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और बॉर्डर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने, जो स्वास्थ्य टीम है जिले की सभी सीमाओं पर टीम को अलर्ट कर रखा है और सभी टीमें मुस्तैद रूप से काम कर रही है। जी तो गंगा दशहरा के पर्व पर बाहर से श्रद्धालुओं को इंतजार एंट्री नहीं है, हालांकि रिपोर्ट आने पर एंट्री दी जाएगी लेकिन गंगा स्नान नहीं कर सकेंगे वो। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो करीबी गंगा घाट है हरिद्वार क्षेत्र के, जो हरिद्वार में गंगा के किनारे कई घाट बनाए गए हैं, तो अलग अलग जगहों पर कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को भी देखते हुए अलग अलग जगहों पर सुविधाएं दी गई हैं कि जिन लोगों के पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे पूर्व की होगी उन्हीं को गंगा घाटों पर प्रवेश दिया जा रहा है, लेकिन जो आम नागरिक है वो भी गंगा घाट पर प्रवेश नेगेटिव रिपोर्ट के बिना नहीं कर पा रहे हैं। और अधिकतर जो क्षेत्र है गंगा घाट सूने पड़े हैं और जो सरकार के द्वारा और जिला प्रशासन हरिद्वार के द्वारा लोगों से जो अपील की गई थी कि जो लोग हैं वो गंगा दशहरा को घर पर रहकर सांकेतिक रूप से मनाएं, लोग उस चीज को बखूबी मान रहे हैं और जो लोग घर से फिर भी निकलकर बाहर आ रहे हैं तो उन्हें जिला प्रशासन की गाइडलाइंस के अनुसार गंगा स्नान कराया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इंतजार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार कोरोना की तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के इंतजाम किए गए हैं और सख्ती बरती जा रही है ताकि कोरोना का संक्रमण दोबारा से ना फैले। रुड़की में मालवीय चौक से लेकर रेलवे स्टेशन तक पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी गुणवत्ता पर स्थानीय पार्षद और अन्य लोगों ने सवाल उठाते हुए विभाग के अधिकारियों से शिकायत की। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्थानीय पार्षद नीतू शर्मा के प्रतिनिधि हरीश शर्मा ने बताया कि कई वर्षों के बाद इस सड़क का निर्माण हो रहा है, जिसमें ठेकेदार बिना गुणवत्ता के ही सड़क बनाने की लेपापोती कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस सड़क के बनने में ठेकेदार के द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही है। स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी सड़क की गुणवत्ता को लेकर शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि तारकोल की जो मोटी लेयर डाली जा रही है उसमें तारकोल की मात्रा कम है, यदि हल्की बारिश होती है तो सड़क टूट जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के नियमों का खुद अधिकारी मजाक उड़ा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार बिना मास्क लगाए निरीक्षण करने पहुंचे। उनका कहना है कि उन्होंने दोनों टीके लगवा लिए हैं।
उधम सिंह नगर जिले के प्रभारी मंत्री व सूबे के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज उधम सिंह नगर जिले में प्रदेश कार्य समिति की वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। तो वहीं बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की जुबान फिसल गई और सतपाल महाराज ने सिंचाई विभाग की कार्य योजना से कार्यकर्ताओं को लाभान्वित करने की बात कह डाली। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग में बड़े बड़े ठेके हैं जिस कारण कार्यकर्ताओं को किए जाएंगे छोटे ठेके किए जाएंगे जिससे कार्यकर्ताओं को लाभ मिल सके। हमने जो है अब कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव ले आए हैं उसमें हमने सारे ठेके छोटे छोटे ठेके कर दिए हैं जिससे कार्य विकास नगर पचपन क्षेत्र में मई से नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राशन की कालाबाजारी करने के फिराक में होते हैं। जब इस बारे में मीडिया के लोगों ने राशन उपभोक्ताओं से जानकारी ली तो उपभोक्ताओं का कहना था कि उन्हें फ्री का राशन तो दिया गया लेकिन सरकार द्वारा उपलब्ध नगद राशन के लिए देखिए इस समय जो राशन बढ़ रहा है आपका एक तो हो गया हमारा रेगुलर एनएफएस से अंतर्गत जो हमारे बांटा जा रहा है जैसे 2 किलो गेहूँ 3 किलो चावल है और इसी का जो है एक फ्री का भी राशन बांटा जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। जबरेड़ा से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल और नगर पंचायत अध्यक्ष चौधरी मानवेंद्र के बीच चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। रुड़की के प्रीत विहार कॉलोनी स्थित अपने आवास पर विधायक की पत्नी वैजयंती माला ने पत्रकार वार्ता में बताया कि विधायक द्वारा जबरेड़ा क्षेत्र के लिए कई विकास ने सभी कार्यों में अड़चन पैदा की। उन्होंने कहा कि कोविड के दौर में विधायक निधि से खर्च होने वाले 1 करोड़ रुपए को नंप अध्यक्ष अपने भाई के निजी अस्पताल में खर्च करने का दबाव बना रहे थे लेकिन जब विधायक नहीं माने तो उन्होंने कुछ लोगों को आगे लाकर भक्तोवाली में गाली गलौज करवाई। विधायक की पत्नी का आरोप है कि विधायक ने मुख्यमंत्री से जबरेड़ा में भरत सिंह स्टेडियम की अड़चन डाली। आरोप लगाया कि बस अड्डा मुख्यमंत्री से स्वीकृत कराया गया था जिसके लिए भूमि नगर पंचायत को उपलब्ध करवानी थी लेकिन उन्होंने बस अड्डे की भूमि उपलब्ध नहीं कराई जिसके कारण वो कार्य भी अधर में लटका है। वाली जो पीएससी है उसको लेकर कोई जनहित याचिका किसी अभिषेक द्वारा डाली गई है विधायक जी के लेकिन मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि ये जो बोखलाहट है ये विधायक जी की लोकप्रियता को लेकर है ये विधायक जी के विकास कार्यों को लेकर है क्योंकि जितने विकास कार्य विधायक जी ने इन 4.5 साल में कराए हैं पिछले 10 सालों में इतने विकास कार्य नहीं हुए के माध्यम से आज पता चला है कि किसी ने पीएल दाखिल की है भक्तोवाली की पीएससी को की बदहाली को लेकर। तो मैं कहना चाहता हूं कि पीएससी में पहले फार्मासिस्ट ही मरीजों को देखते थे क्योंकि इतनी भीड़ भी नहीं होती थी। जब वहां पर कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टर की आवश्यकता हुई माननीय विधायक जी ने सीएम पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ऋषिकेश में बीती रात गंगा का जलस्तर चेतावनी पर पहुंच गया। वहीं लगातार हो रही झमाझम बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर सुबह तक खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा। मिली जानकारी के अनुसार यूं ही बारिश लगातार होती रही तो गंगा का जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गंगा तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को अलाउंसमेंट के एक कर सतर्क रहने को कहा जा रहा है। साथ ही अति प्रभावित क्षेत्रों को खाली कर अन्य सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। तो
तो गंगा का जलस्तर लगातार पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते बढ़ता जा रहा है और इसके चलते अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि तमाम लोग जो गंगा के पास रहते हैं, घर है जिनका गंगा नदी के पास, तो वो अपने आप को एक सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर लें। थाना बहादुराबाद इलाके में हुई हत्या लूट के मामले में पुलिस ने एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्ण राज के नेतृत्व में खुलासा कर दिया। हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्या में शामिल तीन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि दिनांक 15 जून को रोहलकी अंडरपास रोड स्थित सत्य गैस एजेंसी के पास अज्ञात युवक का शव मिला था, जिसकी पहचान रोहित निवासी इब्राहिमपुर के रूप में हुई थी। पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया गया कि घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों से पूछताछ की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर मिलिट्री ग्राउंड के पास से शुभम नाम के आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं आरोपी के मुताबिक वो मृतक रोहित का दोस्त है। उसने रोहित के साथ पहले शराब पी और फिर घर छोड़ने के बहाने उसे ले जाकर मक्के के खेत में फेंक दिया। अभियुक्त के दोस्त अंकुर व मनीष को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से मृतक का लूटा हुआ सामान बरामद किया। हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार ने 2,500 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की है। ये जो 15 तारीख सुबह हमारा थाना बहादुराबाद में सूचना मिली थी कि एक अज्ञात डेड बॉडी जो है रोहल के अंडरपास के पास खेत में पड़ी हुई करके, तत्काल रूप से हम सब लोग मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का मुआयना किया है। उसमें एक पुरुष का डेड बॉडी है, उसका मर्डर करके उधर फेंका गया था, तो उसमें तत्काल रूप से हमने टीम गठित करके कार्रवाई करी। इसमें कल जो है हमें सफलता मिली। इसमें जो है मेन उत्कृष्ट शुभम जो है ये बहादुराबाद में नायिका काम करता है। ये इब्राहिमपुर में जो ये मृतक है रोहित, इनका दोस्त है। रोहित आजकल देहरादून में काम कर रहा है। वो 14 तारीख रात को जब बहादुराबाद आए थे, दोनों का मुलाकात हुई, फिर ये पार्टी करने के चक्कर में शराब लेके वहाँ दारू पी रहे थे। जो रोहित के पास पैसा था उससे लालच होकर शुभम ने जो है इनको मर्डर कर दिया कैंची से। भारी बारिश और लघु जल विद्युत निगम उर्गम की लापरवाही के कारण हेलगम उर्गम मोटर मार्ग पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव को जोड़ने वाली सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से लघु जल विद्युत परियोजना की नहर है। कल्पगंगा में नदी का जलस्तर बढ़ने और नहर के रिसाव होने के कारण मोटर मार्ग जगह जगह ध्वस्त हो गया है, जिसको खोलने में एक माह से अधिक समय लग सकता है। सड़क मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से जगह जगह लोगों के वाहन फंस गए। बता दें कि बार बार उर्गम घाटी के ग्रामीण नहर के रिसाव की शिकायत कर रहे थे, लेकिन पावर हाउस के अधिकारियों ने कभी भी संज्ञान नहीं लिया। रात की भारी बारिश के कारण हिलंग उर्गम मोटर मार्ग पूरी तरह तबाह हो चुका है। किलोमीटर 5 से जगह जगह हिलंग उर्गम मोटर मार्ग बुरी तरह टूट चुका है। लगभग इस सड़क को खोलने में अभी 1 से 1.5 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि सड़कें बुरी तरह तबाह हो चुकी है। कल रात की भारी बारिश और जो हिलंग उर्गम लघु जल विद्युत परियोजना है, उसकी नहर के रिसाव के कारण पूरी तरह सड़क बर्बाद की गई। इससे साफ जाहिर होता है कि इस सड़क के तबाही होने के पीछे उर्गम पावर हाउस की। चमोली क्षेत्र के लोगों की सालों पुरानी मांग पर थराली तहसील से पृथक होकर सन 2015 में स्थापित तहसील नारायणबगड़ को आज भी अपने एक सुरक्षित भवन का इंतजार है। राजनीतिक फायदों के लिए नई तहसील की घोषणा तो कर दी गई और उसकी काम चलाओ स्थापना भी कर दी गई, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि इसके लिए एक सुरक्षित भवन भी चाहिए। सुरक्षित भवन की बात इसलिए कर रहे हैं हम, क्योंकि अभी वर्तमान में जिस स्थान पर तहसील कार्यालय संचालित किया जा रहा है, उस स्थान को कोई भी सुरक्षित नहीं कह सकता। ये स्थान हर समय खतरे में ही रहता है। देखिए, यहाँ पर जो तहसील का अस्थायी भवन है, ये भी अब कानूनगो चौकी में चल रही है और 2015 में तहसील सृजित की गई थी, तब से अभी इसी अस्थायी परिसर में चल रही है। और यहाँ पर 2013 में जो आपदा आई थी, उससे काफ़ी भू कटाव हुआ है और नीचे जो है बाल विकास का भी कार्यालय था, वो भी जो है क्षतिग्रस्त हुआ है। और यहाँ मुश्किल से जो तहसील कार्यालय है, तहसील कार्यालय से मुश्किल से 15 मीटर की दूरी पर अभी नदी बह रही है। इस संबंध में हमारे द्वारा पहले भी प्रयास किए गए हैं कि जो तहसील का स्थायी भवन बनने के लिए प्रस्ताव दिया गया है और उस प्रस्ताव को जिला कार्यालय भेजा गया। नमस्कार, क्रांति के लिए मैं सुरेंद्र रेंद्रा
भटवान में नानवट तहसील के दुष्यर में हूँ। आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे पीछे पिंडर नदी का भाव आप देख रहे हैं, ये तहसील 2011-2016 में यहाँ पे स्थापना की गई थी। तब के जो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था और तब से ये जो तहसील है यहाँ पे संचालित की जाती है। ये कानून को छोकी के भवन पर संचालित की जा रही है और तब से यहाँ पर जो लगातार मांग की जाती रही है कि तहसील भवन का जो निर्माण हो, इसके लिए जो जिलाधिकारी के लिए यहाँ भूमि का जो उद्यान विभाग की भूमि है वो उसका प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन 2020 में जिलाधिकारी चमोली ने भूवैज्ञानिकों को निर्देश दिए थे कि वो उद्यान विभाग की भूमि का भूगर्भीय सर्वेक्षण करके आज जाते हैं। लेकिन एक साल से ऊपर का समय गुजर जाने के बाद भी आज भी भूगर्भीय वैज्ञानिक न तो यहाँ पे आए और उन्होंने कोई आख्या दी से जो तहसील भवन का जो परिसर का निर्माण होना है वो आज भी अधर में लटका हुआ है। और कल से जो लगातार क्षेत्र में बारिश हो रही है, मानसून का भी शुरुआती दौर है। आज जो दो दिनों की बारिश से जलस्तर इतना बढ़ा हुआ है, 2000 की घटना याद आती है। जो हमारे पीछे यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, हमारे पीछे जो यहाँ पे बाल विकास विभाग का कार्यालय हुआ करता था, 2013 की जो आपदा हुई थी, बिल्कुल नदी की चपेट में और नीचे से पूरा खोखला हो चुका है। यहाँ पे बहुत मुश्किल 10 मीटर की दूरी पे तहसील परिसर है और कभी भी इस बाढ़ की चपेट में आ सकता है, जो जिस ढंग से पिंडर नदी का जो जल स्तर है। और इसलिए सभी चाहते हैं कि नई तहसील जो परिसर है उसका निर्माण। समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।